ठीक है, आया समझ में? एक और क्वेश्चन दूं। हेलो सर, टॉर्क सॉरी हाँ टॉर्क टॉर्क बताओ, टॉर्क कितना होगा? व्हाट इज टॉर्क एक्टिंग ऑन दिस कॉइल? व्हाट इज टॉर्क एक्टिंग ऑन दिस कॉइल? कैसे बेटा, कुछ भी मतलब कुछ भी, अरे जीरो होगा, अरे जीरो भाई। ए बी और सी डी दोनों फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं और उनका टॉर्क भी नहीं बढ़ रहा, क्यों? लाइन ऑफ एक्शन भी सेम है, तो दोनों के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ही नहीं। इसमें भी एक इधर खींच रहा है एक इधर, आप सोचो ना, आप एक कॉइल रखा हुआ, एक रेक्टेंगुलर बोर्ड रखा हुआ, एक इधर खींच रहा है एक इधर, इधर चल पड़ेगा, घूमेगा क्यों? घूमता तो तब है जब लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग हो, ये ऐसे अब घूमेगा वो, एक इधर खींच रहा है इधर, तभी रोटेट होगा। इसमें कैसा रोटेशन आएगा? दोनों फोर्सेस का लाइन ऑफ एक्शन सेम है, तो लाइन ऑफ एक्शन सेम रहेगा तो रोटेशन तो आएगा ही नहीं ना, टॉर्क तो जीरो हो गया। टॉर्क का फॉर्मूला क्या है? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस बिटवीन टू फोर्सेस। अब जब दोनों का लाइन ऑफ एक्शन सेम है तो हेलो हाँ समझ गया, तो नेट टॉर्क जीरो हो गया, नेट टॉर्क इज जीरो। लो एक और अच्छा क्वेश्चन देते हैं, एक इंटीग्रेशन का क्वेश्चन बनता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जिसने पढ़ लिया, ये सब तो बहुत आसान है, उसमें तो कैसे अजीब अजीब से क्वेश्चन किए थे कितने हमने, ये सब तो बच्चों वाले होने चाहिए। ये ऐसा इन्फिनेटली लॉन्ग करंट कैरिंग वायर है, कैरिंग करंट आई, इससे ए डिस्टेंस पे एक वायर रखी हुई है ऐसा, ऑफ लेंथ एल, कैरीज अ करंट आई, ठीक है, इस पे नेट फोर्स कितना लगेगा ये बताना। तो एक इन्फिनेट लेंथ की वायर है, लेंथ कितना है उसके ए डिस्टेंस पे एक वायर रखी है परपेंडिकुलर टू द लेंथ ऑफ लॉन्ग वायर, ये जो वायर है ये इसके परपेंडिकुलर है, अगर मैं इसको एक्सटेंड करता तो 90 डिग्री, इस पे कितना फोर्स लगेगा वो आपको बताना है, इस पे कितना फोर्स लगेगा, किधर लगेगा, उपाय का हिंट है, इंटीग्रेशन यूज करना है, जिस वायर पे आपको फोर्स निकालना है बोला उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करो, स्टार्टिंग से x डिस्टेंस पे dx विड्थ का एक एलिमेंट ले लो और उस पे फोर्स निकालो, पहले इंटीग्रेट करना पड़ेगा सर बेटा, ये तो मैं खुद ही कह रहा हूं इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो करो ना इंटीग्रेट, इजी इंटीग्रेशन तो है, 1/x का इंटीग्रेशन तो सबको पता, log x है। सी इस वायर को छोटे 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 पार्ट्स में डिवाइड करो, यहां से x डिस्टेंस ले लो चाहे तो, x डिस्टेंस पे dx विड्थ का एक एलिमेंट ले लो यहां पे, ठीक है, तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड इसका कितना है, इसका यहां मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा, x डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड वो तो बता दो, रेडी फॉर्मूला आपके पास, अभी दो बार यूज कर लिया, म्यू नॉट आई अपॉन टू पाई, b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन, बोलो म्यू नॉट आई अपॉन टू पाई a, 2 पाई x, तो ये x डिस्टेंस पे 2 पाई x, तो यहां पे फील्ड है इतना डाउनवर्ड्स, ठीक है, यहां पे फील्ड ऐसा आप होल्ड करोगे करंट इधर जा रहा है, तो इतना फील्ड डाउनवर्ड्स है। अब इस फील्ड में एक dx लेंथ का कंडक्टर लगा हुआ, तो उस पे जो फोर्स लगेगा कितना और किधर लगेगा, वो जो डिफरेंशियल लेंथ है, छोटी सी लेंथ है, उस पे कितना फोर्स लगेगा और किधर लगेगा, फोर्स एक्टिंग ऑन डिफरेंशियल लेंथ, फोर्स एक्टिंग ऑन डिफरेंशियल लेंथ विल बी हाउ मच इन विच डायरेक्शन। हे भगवान, फॉर्मूला पता है फिर भी नहीं बता पा रहे हो, अरे बी आई एल साइन थीटा फोर्स का फॉर्मूला लगाना है, बी पता है आपके पास, आई पढ़ा है आपके पास, लेंथ उसका डीएक्स है, थीटा 90 है,
तो बी बी का फॉर्मूला आ गया आई, वहां पे करंट भी आई है, इसमें भी आई, इसमें भी आई, लेंथ है उसका dx, साइन 90, साइन 90 हो गया वन, तो म्यू जीरो आई स्क्वायर अपॉन टू पाई एक्स डीएक्स। अब देख लो आप जितने भी डिफरेंशियल लेंथ है, अच्छा सर इसमें पहले डायरेक्शन ऑफ फोर्स देख लो, अपवर्ड्स आएगा, फील्ड अंदर की तरफ है, करंट राइट साइड है, तो v क्रॉस b, चार्ज का v इधर है, b इधर है, v क्रॉस b ऊपर की तरफ जाएगा, तो इस पर df जो लग रहा है ऊपर की तरफ लग रहा है, तो टोटल फोर्स क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ df, तो इंटीग्रेट कर दो आप, म्यू जीरो आई स्क्वायर dx अपॉन टू पाई x, क्यों, बिकॉज सब पे फोर्स एक ही डायरेक्शन में लगेगा, तो वो सारे फोर्सेस आपके ऐड हो जाएंगे, तो म्यू जीरो आई स्क्वायर डी एक्स अपॉन टू पाई एक्स, ये हो गया फोर्स, इसको डिफरेंशियल लेंथ पे, अब इसको इंटीग्रेट कर दिया, एक्स की वैल्यू कहां से शुरू होगी, ए से शुरू होके ए प्लस एल तक जाएगी, तो एक्स की वैल्यू ए से ए प्लस एल, म्यू जीरो आई स्क्वायर अपॉन टू पाई कॉन्स्टेंट, 1 by x का इंटीग्रेशन हो गया, नेचुरल लॉगरिथम ऑफ x, a से a प्लस l, तो म्यू जीरो आई स्क्वायर अपॉन टू बाय एल एन ए प्लस एल माइनस एल एन ऑफ a, तो म्यू जीरो आई स्क्वायर अपॉन टू बाय एल एन ऑफ a माइनस एल एन ऑफ b इज a प्लस l अपॉन a, ये आंसर है, सो फोर्स एक्टिंग ऑन The small wire is mu zero I square upon 2 pi ln of a plus l by a and force will act upwards. Force lagega upar ki taraf. Samjha? So force ki direction ek bar batana zara. Kaise? Isme current kidhar ja raha tha? Right side ja raha tha. To charge particle agar positive dekhunga to main idhar ja raha hai. Velocity idhar hai. फील्ड अंदर की तरफ है, समझ गया, v क्रॉस b ऊपर, या तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगा लो, सेंट्रल फिंगर फॉर करंट, फोर फिंगर फॉर फील्ड, थंब जा रहा ऊपर, तो और सारे एलिमेंट्स पे फोर्स ऊपर लगेगा, इसके लिए सीधा सीधा इंटीग्रेशन होगा, रिजॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्लियर है? हाँ चलो एक लास्ट इस पे देता हूँ, मैकेनिक्स वहां डाल के देता हूँ थोड़ा, वैसे क्या हो जाएगा, चलो आज बायोट सेवर्ट्स लॉ खत्म कर देता हूँ, फिर कल करेंगे न्यूमेरिकल्स ज्यादा। एक और क्वेश्चन अब चलो, तो सी बायोट सेवर्ट्स लॉ से हमने स्टार्ट किया था, सबसे पहले किसका मैग्नेटिक फील्ड निकाला हमने, इनफिनिटेसिमली स्मॉल करंट कैरिंग कंडक्टर का, राइट, हमने सबसे पहले फील्ड निकाला इस छोटे से कंडक्टर का जिसका लेंथ डीएल था, आर डिस्टेंस पे थीटा एंगल पे फील्ड ऑफ दिस स्मॉल एलिमेंट इज म्यू जीरो आई डी एल क्रॉस आर अपॉन आर फोर पाई आर, म्यू जीरो बाय फोर पाई आई डी एल क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब, यह था फॉर्मूला फील्ड का छोटे से कंडक्टर। फिर हमने फाइनाइट लेंथ का लिया था, एसिमेट्रिक रखा था, ये एंगल अल्फा लिया था, ये एंगल बीटा लिया था, यहाँ करंट आई था, ये डिस्टेंस ए था, इसके ऊपर खूब क्वेश्चन भी किया था हमने, इसका जो फील्ड आया था वो कितना आया था, कोई बताना बस मत, चुप बैठे रहना, 4 पाई ए साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, फिर इस पर क्वेश्चन भी किए हमने, सिमेट्री होगी तो ये 2 साइन अल्फा हो जाएगा 2, फिर इनफाइनाइट लेंथ का अगर होगा, इनफाइनाइट लेंथ मतलब सफिशियंटली लार्ज लेंथ, तो उसका मैग्नेटिक फील्ड कितना देखा था हमने, म्यू जीरो आई अपॉन 2 पाई है, इतना हमने बायोट सेवर्ट्स लॉ से डिराइव कर रखा है। फिर एक हमने कॉन्सेप्ट दिखा था फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ ऑफ पैरेलल करंट कैरिंग वायर्स, म्यू जीरो आई वन आई टू अपॉन 2 पाई है, वो हमने देखा फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ ऑफ सफिशिएंटली लॉन्ग करंट कैरिंग पैरेलल वायर्स, लाइक करंट्स अट्रैक्ट अनलाइक करंट्स रिपल, इतनी सारी चीजें हम लोग देख चुके हैं।
राइट। अब अगली कहानी आती है सर्कुलर क्रॉस, सॉरी नेक्स्ट इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर वायर एट अ पॉइंट ऑन इट्स एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ एक्स। अब सो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर वायर एट अ पॉइंट ऑन इट्स एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ एक्स फ्रॉम सेंटर। तो ये निकालना है अब अगला, तो ये टारगेट है हमारा। पता नहीं आपको क्वेश्चन समझा कि नहीं समझा, समझ में आया क्या क्वेश्चन, किसका मैग्नेटिक फील्ड निकालना आपको? एक सर्कुलर वायर, इस बार स्ट्रेट वायर नहीं, इसके पहले हमने स्ट्रेट वायर रखी थी, इस बार आपको सर्कुलर वायर रखी हुई है। 3D फिगर है, समझाना थोड़ा मुश्किल होता है, सर भी कोशिश करता हूं, नहीं आएगा तो आप थोड़ा सा इसमें एडजस्ट करना, आज सोचना फिर कल बताता हूं, कोशिश मैं पूरी करूंगा। तो ये है आपका एक करंट कैरिंग वायर, ऐसा ऐसा रखा हुआ, ऐसा करंट घूम रहा है, ठीक है। ये करंट कैरिंग वायर है, ये इसका एक्सिस है, इस एक्सिस पे सेंटर से एक्स डिस्टेंस पे एक पॉइंट है, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड मुझे निकालना है। आया समझ में? हाँ ठीक है। तो 3D फिगर है, बनाने में थोड़ा कंफ्यूजन होता है मुझे, ये कहां से करंट आ रहा है मालूम, इस साइड से मैं देखूंगा, मेरे साइड से, तो ये कैसा दिख रहा है, मेरे साइड से देखूंगा तो क्लॉकवाइज है, ठीक है, तो इधर से अंदर जाएगा उसके बाहर निकलेगा। तो ये हो गया आपका, ये फिगर आपको समझ में आया, करंट कैसे फ्लो रहा है। ये 3D फिगर है, बड़ा कंफ्यूजन होता है, ये आपको थोड़ा सा इमेजिनेशन स्ट्रांग रखनी पड़ेगी, बिकॉज सामने होते तो मैं कुछ एक्सप्लेन करता था। ये ऐसा फिगर है कि जैसे कोई रिंग है क्या मेरे पास, नहीं दिख रहा है, ठीक है, तो एक रिंग है, ऐसा रिंग है ना? उसमें करंट फ्लो हो रहा है, और कैसे, मेरे साइड से देख रहा हूं तो मुझे क्लॉकवाइज दिख रहा है, और जो मेरे साइड से क्लॉकवाइज होता है ना वो तुम्हारे साइड से एंटी क्लॉकवाइज होता है। तुमको अभी कैसा दिख रहा है, कैसा दिख रहा है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? अरे ये तो बता दो, ये तो सबको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, एंटी क्लॉकवाइज, बट मेरे साइड से वो क्लॉकवाइज है, ये देखो, तो मेरे साइड से क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे एक वायर ऐसी रखी है, सर्कुलर वायर है ऐसा, तो ये साइड से क्लॉकवाइज है और ये साइड से एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है, ठीक है, समझा? अब देखो, अभी आपको उस पॉइंट पे फील्ड निकालना, मैग्नेटिक फील्ड मेजर करना है। द ओनली रूल वी हैव इज कौन सा रूल है हमारे पास, बायोट सेवर्ट्स लॉ, एक ही रूल है हमारे पास, बट बायोट सेवर्ट्स लॉ अलाउज अस टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनिटेसिमली स्मॉल करंट कैरिंग कंडक्टर। एक छोटा सा कंडक्टर होगा उसका ही मैग्नेटिक फील्ड हम निकाल सकते हैं, राइट, इसका रेडियस आर है। सो वी कैन मेजर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनिटेसिमली स्मॉल करंट कैरिंग कंडक्टर, राइट। तो ये फाइनाइट लेंथ के है रिंग का वायर, रिंग का जो वायर है वो तो फाइनाइट लेंथ का, तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली तो नहीं निकल पाएगा, मतलब फिर से इंटीग्रेशन यूज करना पड़ेगा, तो विल हैव टू यूज इंटीग्रेशन अगेन, राइट, समझा? हाँ। सो अब कैसे करेंगे, इसको छोटे छोटे पार्ट्स में इसको डिवाइड करो, ठीक। एक यहां का छोटा सा पार्ट लेते हैं हम लोग, ये है लेंथ है इसका dl, इस डायरेक्शन, ये है आपका r, ठीक है। तो
इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितना और किधर होगा ये सोचना बहुत जरूरी है, वहीं से फिर इंटीग्रेशन आएगा। तो पहली चीज, एक एक स्टेप बच में बताता हूं आपको। सबसे पहले बहुत खराब सी चीज इमेजिन करनी है, एंगल बिटवीन डीएल एंड आर वेक्टर। सबसे पहले तो आपको यही सोचना है, कितना एंगल दिख रहा है आपको? कुछ एंगल जैसा दिख रहा है? एकदम इलॉजिकल से लग रहा है क्वेश्चन, या कुछ लग रहा है कि हाँ सर पूछ रहे तो एंगल होना तो चाहिए? कुछ क्या लग रहा सेकेंड वाला। है? सॉरी, आप पूछ रहे तो कुछ ना कुछ होगा। यार दिन ब दिन नेटवर्क खराब होते जाने लगता है। पता नहीं तू क्या बोलना चाह रहा है और पता नहीं मैं क्या सुनना चाह रहा हूँ। अंतरिप क्या बोल रहा है बेटा? तो मैं बोल रहा हूँ कि आप कुछ पूछ रहे होगे तो एंगल जरूर होगा उधर। हाँ शाबाश। तब एंगल जरा विजुलाइज करने की कोशिश करो। अगर आपके हाथ में कोई कड़ा है या आजू बाजू में कोई रिंग रखा है तो उस रिंग को इस सिचुएशन में रख के इमेजिन करो। चलो मैं वो भी बता देता हूँ, एंगल 90 डिग्री है। अब आप सोचते बैठो कैसे होगा। अगर आप मेरे सामने होते तो मैं आपको समझा सकता था, बट ये बिना उसके समझाना बड़ा मुश्किल है। ये एंगल 90 डिग्री आने वाला है, सोचो। दिखा किसी को? नहीं दिखा। चलो ये देखो, मैं कोशिश करूंगा, हालांकि बहुत मुश्किल है समझा पाना, वो सामने होने से समझ पाता है बच्चा। ये रिंग है, ठीक है? अब ये रिंग का ये वाला एलिमेंट देखना, ये रिंग था, इसके ऊपर वाले एलिमेंट का। तो इसको एनलार्ज करके दिखा रहा हूं मैं, एनलार्ज करके। तो एनलार्ज करने के बाद ये बहुत एनलार्ज किया तो थोड़ा बड़ा सा आपको दिख रहा है, ये नजर आया आपको? ये डीएल है आपका, ये ऊपर का डीएल है। लग रहा है डीएल आपको? बोल दो। हाँ, हाँ सर। तो ये आपको डीएल लग रहा है, ठीक है? भले मैंने उसको एनलार्ज किया हुआ है, तो ये आपको ये आपका डीएल हो गया, ठीक है? और ये वो दूसरी बार ये ऐसे ऐसी रखी हुई है, ठीक? तो ये ऐसा था, ये ऐसा। अब मैं आपको इस एंगल से दिखाना, देखो कितना एंगल है दोनों के बीच में। ये ऐसा रखा हुआ तो आपको दिख नहीं रहा, एक्चुअली फिगर ऐसा है, ऐसा। तो ये ऊपर का डीएल है, ये डीएल है, और ये दूसरी वाली वायर है। तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना है? 90 90। तो यही चीज समझा रहा हूं। तो उन दोनों के बीच का एंगल है 90 डिग्री। तो ये हो गया मेरा फर्स्ट स्टेप। तो फर्स्ट स्टेप में मैंने आपको बता दिया दोनों के बीच में एंगल जो है 90 डिग्री है, ठीक है? अब देखो डीएल है ऐसा यहां ऊपर, और ये है आर। इस पॉइंट पे फील्ड कैसा होगा? तो याद करके देखो, बायोट सेवर्ट्स लॉ में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे इमेजिन करते थे, क्या मेथड था मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन मेजर आइडेंटिफाई करने के लिए? डायरेक्शन कैसे पता करते थे? राइट हैंड स्क्रू रूल से करते थे ना। राइट हैंड स्क्रू रूल से। तो किसको किधर से किधर घुमाते थे? फिंगर्स ऑफ राइट हैंड कहां से घुमानी है? डीएल से डीएल आपकी तरफ। वेक्टर से आर वेक्टर की तरफ घुमानी है। सो डीएल वेक्टर से आर वेक्टर की तरफ घुमानी है। बहुत कॉम्प्लिकेटेड है इमेजिन कर पाना, मैं बस उम्मीद ही कर सकता हूं आप समझ जाओ। ये देखो यहां से करंट ऐसा दिख रहा था, तो यहां ऊपर डीएल है, ये ऊपर का डीएल है, ये आर है। तो ये डीएल है, ये आर है। दिस इज डीएल, इस फिगर में 3D फिगर है। ये जो ब्लू वाला पेन है ये आपका डीएल है, और जो ब्लैक वाला पेन है ये आपका आर है। तो डीएल इधर आ रहा है, आर इधर जा रहा है। तो रोटेट द फिंगर्स ऑफ राइट हैंड फ्रॉम डीएल टू आर, ऐसे। तो इस डायरेक्शन में। अब ये डायरेक्शन आप सोच ही नहीं पाओगे, फिर भी आप सोचने की कोशिश करना। मैं इतना ही कहूंगा, डीबी इज परपेंडिकुलर टू डीएल वेक्टर एज वेल एज आर वेक्टर।
ये आपको डाइजेस्ट हो जाना चाहिए, इसको आपको इमेजिन करने की भी जरूरत नहीं। क्यों भाई? क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी इज परपेंडिकुलर टू ए एज वेल एज परपेंडिकुलर टू बी। ए वेक्टर और बी वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर होता है, राइट? याद है कि नहीं याद है? ए क्रॉस बी जो राइट हैंड थंब रूल निकालते हैं, ये ए है ये बी है, दिस इज ए वेक्टर एंड दिस इज बी वेक्टर, तो इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर होगा। तो जो डीएल क्रॉस आर बनेगा वो डीएल और आर दोनों के परपेंडिकुलर होगा ना। तो डीएल आपका ऐसे बाहर निकला हुआ है और आर आपका ऐसे है, तो डीएल क्रॉस आर ऐसा जाएगा, यहां होगा डीबी वेक्टर। यही सोच पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, बाकी तो चीजें आसान है इसमें, सिर्फ यही सोच पाना थोड़ा सा मुश्किल है। कह दो कि समझ में आया तो मैं आगे बढ़ूं। समझा सर? नहीं समझा? अरे तू समझ गई, लेकिन ये भी तो बोले हैं अंतरेप। बोला मैं समझा। अच्छा बोला ना, ठीक। चलो चलो, तो ये डीएल इधर है, आर इधर है, ये डीबी इधर है, राइट? अब एक एंगल अज्यूम कर लेता हूं, मैं इसको थीटा मान लेता हूं, ये 90 माइनस थीटा, ये वापस थीटा है। अब देखो डीबी का फॉर्मूला मैं लिख पाऊंगा, बट चक्कर क्या है, इधर वाला जो डीबी है वो इस साइड है, और जो उसके अपोजिट वाला जो एलिमेंट होगा, डिफरेंशियल एलिमेंट, अपोजिट में एक डिफरेंशियल एलिमेंट है, उसका डीबी ऐसा होगा, इसका डीबी ऐसा है और इसका डीबी ऐसा। तो सीधा सीधा ऐड नहीं कर सकते आप, जितने भी डिफरेंशियल एलिमेंट है उन सबके जो फील्ड है वो अलग अलग डायरेक्शन में भाग रहे। सेम डायरेक्शन में होते तो मैं सीधा इंटीग्रल साइन के अंदर डाल के काम खत्म कर देता, बट यहां पे दिक्कत क्या हो रही है, क्या प्रॉब्लम आ रही है कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू डिफरेंट एलिमेंट्स आर इन डिफरेंट डायरेक्शन, सबका डीवी अलग अलग ओरिएंटेड है। ये जो ऊपर वाला एलिमेंट है उसका डीवी ऐसा, थोड़ा नीचे वाले का ऐसा, थोड़ा नीचे वाले का, जैसे जैसे ये घूमेगा, एक्चुअली यहां पर तीन एलिमेंट्स इन्वॉल्व है, एक है आपका डीएल, ये रहा आपका डीएल, ध्यान देना, और ये रहा आपका आर, और ये रहा आपका डीबी, ठीक है? जैसे जैसे डीएल चेंज होगा वैसे वैसे डीबी भी चेंज होता जाएगा, डीबी कुछ ऐसा दिखाई देगा, ऐसे जैसे जैसे डीएल चेंज होगा वैसे वैसे डीबी चेंज होगा। तो इस हिसाब से आप सीधा इंटीग्रल साइन के अंदर नहीं डाल सकते, तो लेट्स रिजॉल्व। तो इसका जो कॉस कंपोनेंट आएगा वो इधर होगा, और इसके जो डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट है उसका जो डीवी कॉस थीटा है वो इधर है। ये दोनों के डीवी कॉस थीटा एक दूसरे को कैंसिल कर दे, तो मैं ये लिखूंगा कॉस कंपोनेंट ऑफ डीवी वेक्टर ऑफ differential elements on diametrically opposite end cancel each other. Convinced? Diametrically opposite end बोल दो, कैंसिल ईच, वेयर एज साइन कॉम्पोनेंट सबके एक ही डायरेक्शन में है, इसका साइन कॉम्पोनेंट इधर, सबका साइन कॉम्पोनेंट एक ही डायरेक्शन में होगा, एग्रीड? सब अपोजिट एंड वाले जो डिफरेंशियल एलिमेंट्स हैं उनके कॉस कॉम्पोनेंट कैंसिल हुए जा रहे हैं, बट उनके साइन कॉम्पोनेंट एड हुए जा रहे हैं, नहीं लग रहा आपको ऐसा? हाँ, तो साइन कॉम्पोनेंट्स गेट एड एज दे आर इन सेम डायरेक्शन,
कॉस कंपोनेंट तो अपोजिट वालों के कैंसिल हो जा रहे हैं, और साइन कंपोनेंट क्या हो जा रहे हैं, साइन कंपोनेंट ऐड हुए जा रहे हैं, राइट। कॉस कंपोनेंट कैंसिल हुए जा रहे हैं, साइन कंपोनेंट्स ऐड हुए जा रहे हैं, तो कुल मिला के आप क्या बोल सकते हो, यू कैन से नेट फील्ड एट दैट पॉइंट इज इंटीग्रल ऑफ डीबी साइन थीटा। भाई जब साइन कंपोनेंट ऐड हो रहे हैं सब एक ही डायरेक्शन में है, तो वेक्टर साइन का मतलब ही खत्म हो गया, जब सब एक ही डायरेक्शन में, तो मैंने वेक्टर साइन ही हटा दिया, तो नेट फील्ड जो आएगा वो आएगा डीबी साइन थीटा। तो आप डीबी लिख लेते हैं, थोड़ी हिम्मत करके डीबी बताओ तो कितना आएगा, बायोट सेवर्ट्स लॉ से जरा डीबी कैलकुलेट करके बताओ, ये जो छोटा सा एलिमेंट है उसका मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे कितना होगा, छोटा सा जो एलिमेंट दिख रहा है डीएल लेंथ का उसका mu not upon 4 pi idl mu not upon 4 pi I dl into mu r not upon r. 4 pi I into dl, वो dl हो गया छोटा सा, into r, कौन सा ये छोटा वाला r, into छोटा वाला r into sin of angle between dl and r, dl और r के बीच में एंगल क्या था, sin 90 degree, ये हो गया db I, sorry R तो नीचे वाले से कैंसिल करा देंगे, R क्यों, R स्क्वायर म्यू 0 बाय 4 बाय आइडियल साइन थीटा बाय R स्क्वायर फॉर्मूला था, बाय व्हाट सर्स लॉस ये आ गया, इनटू एक साइन थीटा पड़ा हुआ वो हैंडल कर लेंगे, ये हो गया अपना DB का फॉर्मूला, ठीक है, कर लिया कॉपी, रब कर दूं, सो अब बचा हमारे हाथ में इसको इंटीग्रेट करना। सर तो चलो देख लेते हैं इसके अंदर क्या क्या कॉन्स्टेंट है, क्या क्या वेरिएबल, सर वो क्या लिखा था आपने जो रब किया अभी, मैं खुद ही भूल गया था, एंगल बिटवीन डीएल वेक्टर एंड आर वेक्टर इज 90, मैं कह रहा एंगल बिटवीन डीएल वेक्टर एंड आर वेक्टर इज 90 डिग्री, डीएल वेक्टर जो था वो डिफरेंशियल लेंथ छोटा सा था रिंग का, उसके और आर वेक्टर के बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री। जल्दी करो बेटा, ये एक टॉपिक ही नहीं खत्म कर पाऊंगा आज, कैसा चलेगा मेरा जीवन, हो गया सर, हो गया, हो गया। सो अभी क्या करना है, हमने बताओ जरा इस इंटीग्रल के साइन कौन कौन कांस्टेंट है, कौन कौन बदल रहा है, सारे डिफरेंशियल एलिमेंट्स को घुमा घुमा के देख लो, बताओ भाई इसके अंदर क्या क्या कांस्टेंट है, क्या क्या वेरिएबल है, ये नहीं बोला तो बड़ी लानत की बात है, म्यू जीरो बाय फोर पाई तो निकाल दूं कि वो भी ना निकाल पाऊंगा, आई हर एक डिफरेंशियल एलिमेंट में आई कॉमन है कि नहीं है, तो आई बाहर आ गया, ओके डीएल, डीएल तो वेरिएबल हो गया, साइन 90 बन गया, हर एक डिफरेंशियल एलिमेंट के लिए थीटा सेम है कि अलग अलग है, जैसे जैसे डिफरेंशियल एलिमेंट घूमते जाएंगे उस रिंग के ऊपर सबका थीटा भी सेम है, तो साइन थीटा बाहर आ गया, और सारे डिफरेंशियल एलिमेंट के लिए स्मॉल आर की वैल्यू सेम है कि अलग है, सेम है, स्मॉल आर भी हर डिफरेंशियल एलिमेंट के लिए सेम आएगा, तो आर स्क्वायर भी बाहर आ गया, अंदर बचा इंटीग्रल डीएल, ऐसे जितने भी रिंग के ऊपर छोटे 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 डीएल है उन सबका टोटल क्या आएगा, टू पाई आर, टू पाई आर सर्कमफ्रेंस हो गया, बस ये आर जो है इसका रेडियस कैपिटल आर आएगा, टू पाई टू कैंसिल, म्यू जीरो आई आर साइन थीटा अपॉन टू आर स्क्वायर। अब देख लो आप इसमें क्या क्या पहले से पता था, इसमें तो एक्स दिया था, हमारा एक्स आया ही नहीं, स्मॉल आर और थीटा तो मैंने जबरदस्ती डाले हैं, तो इनको फाइनल एक्सप्रेशन में एलिमिनेट करना पड़ेगा, तो इस ट्रायंगल में से साइन थीटा की वैल्यू निकाल लो, वो ट्रायंगल में से साइन थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, भगवान आज क्यों इतना इरिटेट कर रहे हैं तुम लोग, कैपिटल आर बाय स्मॉल आर,
कैपिटल आर बाय स्मॉल आर, तो बी इज इक्वल टू म्यू जीरो आई आर साइन थीटा कैपिटल आर बाय स्मॉल आर, और पहले से पढ़ा टू आर स्क्वायर मिला के बना म्यू जीरो आई कैपिटल आर स्क्वायर अपन टू इंटू स्मॉल आर क्यूब हो गया। अब स्मॉल आर हटाना है तो पाइथागोरस थ्योरम अगर मैं लगाऊंगा तो कैपिटल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है स्मॉल आर स्क्वायर, तो स्मॉल आर स्क्वायर क्या हो गया, आर कितना हो गया आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेस टू आर, तो वहां पर क्यूब है तो रेस टू थ्री बाय टू हो जाएगा म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन टू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेस टू हाफ का क्यूब रेस टू थ्री, ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड का। सो दिस इज एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड, समझा? हाँ आया समझ में। तो ये हो गया फॉर्मूला आपके मैग्नेटिक फील्ड का रिंग की वजह से। चलो आई विल स्टॉप हियर, कल करते हैं। थोड़ा टाइम पे आया करो और रेगुलरली आओ यार, एक आता है एक नहीं आता। चलो आज मैं ही स्टॉप करता हूँ, इसी कल थोड़ा और डिस्कस करेंगे फिर आगे बढ़ाता हूँ। चलो आई विल स्टॉप।